अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज खान। रीगल चौक इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ आप लाहौर की सड़कों पे जहाँ भी चले जाएं, बेहंगम ट्रैफिक, हादसात, अमवात और लोगों का ज़ख्मी होना मामूल की बात है। और इस मामूल में अगर डिसिप्लिन शामिल कर लिया जाए, एक सलीका शामिल कर लिया जाए, कोई कानून की रिट, कोई लॉ एंड ऑर्डर शामिल कर लिया जाए, तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ किसको भला किसकी पड़ी है, कोई सूरत हाल ही नहीं है। और इन सारे मामलात में पिस्ता कौन है? वो गरीब पिस्ता है, वो मिडिल क्लास पिस्ती है जो बाइक्स पे सफ़र करती है और वो अपनी गलती से या कई दफ़ा दूसरों की गलती से हिट होते हैं। और 80% कैजुअलिटीज़ का जो रेट है वो बाइक राइडर्स हैं, वो अफराद हैं जो बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं और जिनका सहारा जो है वो सवारी है, जिसे मोटरसाइकिल आप बोलते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसी फासी तदाबीर हैं जिनको वो अडॉप्ट करें तो हालात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं और हालात कुछ बेहतर भी हो सकते हैं? क्या क्या वो अपने तौर पर अपने तई ऐसा क्या क्या वो कर सकते हैं, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ DSP होंगे, शहजाद साहब ट्रैफिक के, फयाज मलिक साहब होंगे, मुजाहिद शेख साहब होंगे। इन सब से गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहले हम गुफ्तगू करने का के लिए जो बाइक राइडर्स हैं इनसे हम बात लाजमी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? हेलमेट पहना हुआ है लेकिन बाकी दो ने क्यों नहीं पहना हुआ? जी उन्होंने नहीं पहना। क्यों आ रहे हैं भाई? हेलमेट नहीं पहना उन्होंने? जी नहीं। क्यों? बस एक बंदे पहनता है। तीन बंदे बैठे हैं ना यार, आपको गिरेंगे आप तो बच जाएंगे, बाकी दो अल्लाह के सुपुर्द। आपने इनको पहले कहा था कि अल्लाह के सुपुर्द भाई? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर पटेल। इको कार ही चल रहे हो सारे? हाँ सर। अल्लाह खैर, तीन बंदे DSP साहब, शेख साहब, फयाज मलिक साहब, ये एक केस स्टडी है आपके पास। तीनों इको कार जा रहे हैं बगौर इनके, तो क्या सूरत हाल है? और आपको पता है शेख साहब, आप भी जानते हैं कि कितना खतरनाक है इन बाइक राइडर्स के लिए। अब ये तीनों अपने अपने घर का इकलौता सहारा होंगे, आप चेक कर लें जाके, और ये अर्निंग हैंड होंगे, कमाऊ पूत होंगे, और खुदा ना खासा ये सड़क पे बीच चौराहे खुदा ना खासा हिट होते हैं तो क्या बनेगा, क्या सूरत हाल होगी? इस पे क्या टेक है DSP साहब, आप क्या कहते हैं? लेकिन जी इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मोटरसाइकिल दो बंदों के लिए बनी हुई है। जब भी आप दो से ज़्यादा बिठाएंगे तो उसकी वॉकिंग जो है उसका वो डेंजरस हो जाएगी, उसका चलना, उसका मुड़ना, उसका स्लिप होना, ये बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्टेड है। हमेशा तीनों ही सफर करते हो? जी नहीं। हाँ आज ही बस। आज सर मैं एमरजेंसी है। हाँ जी, हाँ जी। कितने चले हो? घर चल रहे हैं। हाँ घर जा रहे हैं सर। हाँ घर एमरजेंसी की है। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या घर जा रहा हूँ? घर जा, सालन ठंडा हो रहा है ना? सालन ठंडा हो रहा है, क्या मसला? घर को खैर है ना? घर घर को मसला, काम से फारिग होकर घर जा रहे हैं। तीनों भाई हैं आप लोग? जी। किस इलाके से हैं? जिला बिहाड़ी के। आप जी? जिला बिहाड़ी से। आप जी? जिला बिहाड़ी से। अच्छा, बड़ी बात है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, एक तो ये भाई ने जो हेलमेट पहना हुआ है ना, हाँ ये ठीक नहीं है। हेलमेट अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें या इंटरनेशनल सतह पे देखें तो ये हेलमेट ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये हेलमेट के साथ भी कुछ सामने ड्राइव करते हुए ये दाएं बाएं जो है ना ये नहीं देख सकता। उसके बाद इसने बड़े बड़े खूबसूरत मॉडल्स हैं हेलमेट्स के, क्यों राइज नहीं करते आप लोग, क्यों नहीं मंगवाते अच्छे हेलमेट्स? ये हेलमेट ऐसे हैं, ऐसे ऐसे रोमांटिक हेलमेट्स आए हैं कि किसी के पहनने को भी दिल करे। ये क्या आप लोगों ने क्या दिया हुआ लोगों को? इसमें आपको ये बता रहा था कि इसने अपनी जान तो खतरे में डाली है, इसने साथ में अपने पीछे बैठे दो बंदों की भी जान खतरे में। नहीं नहीं नहीं, वो उसने अल्लाह के सुपुर्द, नहीं नहीं नहीं, वो उसने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे उसने। हम सब अल्लाह ने कहा है। हाँ किसके सुपुर्द है? अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द है भाई, हम सब ही अल्लाह के सुपुर्द हैं। मगर मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ना, जैसे खुद हेलमेट पा लिया, दोनों अल्लाह के सुपुर्द। हेलमेट जो है ना वो भी म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा। इसमें अगर आप ये देखें, ये मिरर लगाए हो ना, उससे भी फायदा। अच्छा पीछे देखना हो तो कैसे देखते हो मेरा बच्चा? बहुत अच्छा है, शाबाश, इशारा देते हैं हम। कैसा जादूगर इंसान है यार तू, है 80 पे गाड़ी भी बगाता है और आगे पीछे स्पून से जाते हैं हम लोग। स्पून से 100 के 100 पे पीछे वाले देखिए। क्या बात, क्या बात। मैं शेख साहब हमारे साथ हैं जी। शेख साहब, मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से मिरर की बात कर रहे हैं, ये पीछे देखते ही नहीं होंगे ये साहब, इनको आवाज आती होगी, इल्हाम हो जाता है, इल्हाम हो जाता होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो बड़ी गनीमत है कि इसने हेलमेट एक ने पहना हुआ है, वरना यहाँ पे आप दिन में देखें तो किसी भी शख्स ने ऐसा हेलमेट पहना नहीं होगा। ये फिर भी मेरा ख्याल इसके पास एक ही हेलमेट होगा
और ये तबका इस तरह का है कि जो मोटर बाइक 15-20 हज़ार रुपए की मोटर बाइक है वो 400-500 रुपए का एक बंदा ही हेलमेट ले सकता है, तो इसके लिए क्या करना है? लाइसेंस है बाइक का है, जादूगर इंसान तू, इतना जादूगर कैसे है? इनका चेहरा दिखाएं सारों को ना। हां जी सर, स्मार्ट इंसान है, मॉडलिंग करवा सकते हैं आप अच्छा मेकअप करके, वो मसला नहीं है, लेकिन आता पैड़िया ने। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि शेख साहब ये क्या हो रहा है आपके सामने दिन दहाड़े? क्राइम आप कवर करते हैं और सबसे बीपर फिर ज़्यादा आपने देने होते हैं कि इतने लोग जो हैं वो हिट हो गए, फयाज मलिक साहब भी इसी काम के पीछे और शहजाद साहब बेचारे वो भी सारा दिन यही काम करते रहते हैं, तो क्यों चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं आ पा रही? ये ट्रैफिक की तरफ से, ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से दिन रात काम करने के बावजूद रिजल्ट सिफर बाय नील, क्या वजह? इसमें एक बात आपको बताऊं कि जो बात आप इम्प्लीमेंट की कर रहे हैं ना, ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इनके ऊपर सख्ती नहीं होगी। आप मोटर पे सफर करते हैं तो आप 120 की स्पीड के ऊपर जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। अब जब लोगों को यहाँ पर ये पता होगा, ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस जब ये करेगी कि जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसकी मोटरसाइकिल बंद कर दें या उसको जुर्माना कर दें, तो 100% इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और लोग भी दिखाते हैं आपको, ये देखें जी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, पीर जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से हैं? चेक करें आप, बहुत प्यारे नाग है। कहाँ से मंगवाए आपने? ईरान से। वो तोड़ी खैर हो जाए शाह जी, छा गए हो हैं प्यारे हैं मान। तो शाह जी हेलमेट ईरान तो नहीं मंगवाया? हेलमेट वैसे मैंने कभी पहना नहीं, उसकी स्पेशल वजह है। स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत इंसान है, आपको भला क्या होना है, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है, ये होने की वजह नहीं है। मैं बस तकरीबन कुछ 4 माह में बीमार रहा हूँ और मेडिकल सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो हेलमेट तो पहने आप तंदुरुस्ती की खुशी में। तो अब बाइक कम यूज़ करते हैं आप? बहुत कम। जब यूज़ किया करें कोई इसका, आप देखें पीछे देखना पड़ जाए, कैसे देखते हैं शाह जी? बातन की आंख से, मन की आंख से, आपकी मोहब्बत दिल की आंख से, कैसे? जैसे आप हुक्म करते हैं आप वैसे देख लिया करेंगे? नहीं, मुझे आपकी सेहत शाह जी अजीज है, मुझे इससे बढ़कर क्या है कि आप सदा सलामत रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, कोई वो क्या मेरा टाइप है? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया करें कि शायद अच्छा चेहरा भी पीछे नजर आ जाए। गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं इसलिए अंदाजा, इसलिए ज्यादा अच्छे चेहरे नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। आपको पता है शहर में एक दिन में लाहौर शहर में ट्रैफिक हादसा की शरह 250 से 300 के दरमियान है, और उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसा का जो सबब बनते हैं या जो शिकार होते हैं वो मोटरसाइकिल सवार है। अस्सलाम वालेकुम सर, खूबसूरत कैप आपने पहना हुआ है, थैंक यू। और ये शर्ट के साथ मैच करके पहना है? नहीं सर, मैच इत्तफाकन हो गया। इत्तफाकन हो गया, गलती लग गई? बस इत्तफाकन। अच्छा इत्तफाकन गलती लग गई यानी। अच्छा क्या नाम है आपका? अजर। अजर साहब क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काउंसलर। अच्छा अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे, लेकिन ये आपने बैक मिरर नहीं लगाए? मैं आज सडनली कभी कभी चलाता हूं। कैसे देखते हैं पीछे देखना पड़ जाए? बाइक कभी कभी चलाता हूं। पीछे देखना पड़ जाए, कैसे देखते हैं? वैसे ही जरा, वैसे ही बड़ा स्लो चलाते हैं। खूबसूरत चेहरे के ताकुब में पीछे देखना पड़ जाता है, कैसे देखते हैं? अपनी जान तो दूर की बात है, वो तो आपने बचानी नहीं। नहीं वो क्यों नहीं बचानी यार, हर बंदे बचाते। तो आप हेलमेट पहने फिर इसके साथ वो बैक मिरर लगाए, फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बाइक का। थोड़ा सा रिव्यू उधर करें ना, थोड़ा सारों ने नहीं पहने, मैं कह रहा हूँ मैं आइंदा खूबसूरत। तो जी हमारे हमारे माचरे में कि भाई जी उसने नहीं किया, भाई उसने नहीं किया, मैं नहीं नहीं मेरी बात सुने, एक मिनट, आप अपनी जान के, आप अपनी जान के जिम्मेदार हैं। हाँ बनता है उनका, शहरी का राइट ज्यादा। हाँ जी हाँ जी जी, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं ही फिनिश कर लूँ। तो मैंने उनकी तरफ रिफ्लेक्शन किया है, ठीक है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना तो यू हैव टू बी एडवर्टाइज पब्लिसिटी इन वेरी वाइडली। शहजाद साहब सर ये देखें, शहजाद साहब आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? इन्होंने ये मौजूद शहरी हैं, इन्होंने कहा है कि आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाहौर से गुड़ियाँ खत्म हो सकती हैं, डोरे खत्म हो सकती हैं, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना? हाँ जी यू डोंट माइंड, बात सुन ले बात। मैं कहना चाह रहा था कि आप कोई ऐसी एडवर्टाइज करवाएं, ठीक है, पीपल डजंट नो अबाउट द ज़ेब्रा लाइन, ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। यार ये इस बेचारे को हेलमेट पहना दिया, ओए होए होए होए, अल्लाह बख्शे बहुत अच्छा था। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है सर। ये भजन ऐस सिर ते पूरा नहीं होता सर, गर्मी बड़ी है, हेलमेट नू नहीं नहीं सर को, तानू गर्मी ज्यादा है कि हेलमेट नू गर्मी ज्यादा है? हेलमेट को। यार क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतिशाम। एहतिशाम बड़ा प्यारा नाम है आपका, आप खुद भी खूबसूरत है। तो आप क्रिकेट क्रुकेट खेलते रहे हैं? नहीं सर। खेलिया करो यार क्रिकेट, तुम सड़क पर की करते हो? मैं सेलमैनिंग कर रहा।
यार ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते और साथ ये बैक मिरर पीछे देखना हो कैसे देखते हो? नहीं साहब क्या यार नहीं लगे हुए थे वो तार नहीं है यार अपनी सेहत का ख्याल करें हैं पीछे देखना पड़ जाए तो कैसे फिर ऐसे ऐसे करके ये अभी तारा है मैं अभी निकला हूं अभी उतारा है अभी ये हेलमेट इसी बाइक पे रहता है अजायब घर में नहीं अगर इन्हें कोई रोकेगा तो ये कहेंगे ये मेरे पास हेलमेट है और ये देखें इसकी हालत इस तरह के बंदों से रोक लेना तो वो कहते बंदा लैंड भी ना जावे ऐसे ही है नुमाइशी हेलमेट है ये नहीं है श्याम साहब देखें जी कितने खूबसूरत हैं और हरकतें चेक करो तुसी वाह 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 अच्छा मुझे ये बताएं भाई जान ये क्या हो रहा है मैं ये बता रहा हूं कि 99% रीडिंग है आप दिखाएं जी ये सारे लोग अस्सलाम वालेकुम इतने सोने सोने ग्लासेस यार सोने सोने लोग कहां से आए लाहौर में क्या हाल है आपके अल्लाह की रहमत आप सुनाए ठीक भाई जान इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना पहले आपसे पूछ लेता हूं इन्होंने इसलिए आप इनके इन पे तवक्कल करके बैठ गए नहीं वो इन्होंने वो बैक मिरर भी नहीं लगाया पहले आप बताएं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हेलमेट ड्राइव ये कर रहे हैं ये हमारी कोताही है हमारी का नाम है ये आपको देखे ना पता है कि ब्रांडेड ऐनक लगानी है खूबसूरत वाली लेकिन ये आपको नहीं पता कि इन्होंने बैक मिरर भी लगाना है और हेलमेट भी आपने इम्पोज करवाना है इन पे कि यार इंसान बने यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस मुद्दे पे आपने उठाया है ना ये आपने बिल्कुल अच्छा उठाया लेकिन आप जरा ये सोचें कि इस मुल्क में बाकी जुर्म खत्म हो गए हैं कि सिर्फ हेलमेट ही रह गए सोने आपकी सेहत का मसला है जुर्म का मसला नहीं ये आपकी सेहत का मसला है आपका देखे ना आप हम कितने खुश होंगे कि आप घर जाके अभी फोन करें कि यार मैं पहुंच गया था हाँ कितनी खुशी की बात है बिल्कुल ऐसे और अगर इसके रिवर्स फोन आ जाए फिर वो लोग जो आपसे मंसूब हैं उनके पैरों तले से जमीन निकल जाए और वो जीने के काबिल ना रहे है ना मैं ये ऐ जादूगर इंसान तू पीछे कैसे देख लेता है शीशों के बगैर शुरू से आदत नहीं है शर्मीले ने ना मुझे कुछ तो समझा यार मैं बता रहा हूँ ना कि शुरू से आदत ही नहीं है हमारी आज के बाद जो है ना हम हेलमेट पहनेंगे और आप भी ये क्या नाम है तैयार कर लेंगे बाकी जुर्म जो है ना उसकी रोकथाम मैं चाहता हूँ आप सेहत के साथ घर चले जाएं सेहत को जो बात आज पूछ रहा हूँ आप नवा कट्टा खोल रहे हैं नई तब्दीली आप हिफाजत से घर चले जाएं हिफाजत से घर चले जाएं क्या ख्याल है बिल्कुल हिफाजत क्यों ट्रक जो बजना अल्लाह माफ करे अल्लाह खैर तो फिर ये कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम ओए वेरी गुड यार ये अच्छा किया ये बहुत अच्छा किया वेरी गुड इन्हें पता चला है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके शुक्र पाने इको जगह तो लेने दोनों जी और क्या करते हैं आप मैं स्ट्रीट लाइफ में होता हूं आप क्या सेम आपकी इंश्योरेंस भी हुई होगी और आपकी भी बिल्कुल और हेलमेट भी इंश्योर्ड होगा करवाने जा रहे हैं बड़ा शरारती मुंडा तुझे पीछे बिठाया कितों लिया बताए भाई जान मुझे ये बताएं कि बैक मिरर किधर है बैक मिरर नहीं लगाया आपने ये लगाना है और कैसे देखते हैं पीछे देखना हो इस हेलमेट से तो नजर ही नहीं आता नहीं नजर आता लेकिन ये शीशा लगवाना है आप दोनों दोस्त इकट्ठे हमेशा इकट्ठे जाते हैं पैसे तो नहीं पाए स्कूटर से नहीं पेट्रोल डलवाते हैं पेट्रोल में किन्ने के महीने लग जाते हैं पेट्रोल से 1400 से 1500 रुपया लगता है ये तो कुछ 750 लेंदे हो जी दे देंदा टाइम ते या फ्रॉडी करदा है नहीं नहीं टाइम पे दे आपको डंडी ते नहीं मारदा 50-60 रुपए आगे पीछे करदा नहीं कोई शरीफ आदमी अल्हम्दुलिल्लाह है भाई अच्छा बंदे तो शरीफ ने भाई बंदे शरीफ है शेख साहब मुझे आपकी जरूरत है आप किधर गए आप लोग ये देखें जी एक अच्छी मिसाल है और ये 1400-1500 रुपए इनका लगता है दोनों कोलीग्स हैं और 750-700 रुपया करके और अच्छे तरीके से ये बड़े विजन से और बड़े बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और दोनों के पास हेलमेट है और दोनों हेलमेट भी इंश्योर्ड है मेरे ख्याल से क्योंकि दोनों भाई इंश्योर्ड हैं तो इस तरह की मिसालें आपको नहीं मिलेंगी देखें फहद शहर लाहौर में तकरीबन 45 लाख के करीब मोटरसाइकिलें जो है ना रोज़ाना मूव करती हैं शहर की सड़कों पे और उन 45 लाख में शायद 5000 के करीब इतने बंदे हों कि जो ये हेलमेट की या बैक व्यू मिरर की जो है वो पाबंदी करते हो मोटरसाइकिल सवार पे अमूमन लोग ये कहते हैं भाजी वो देखो उन्हें नहीं पाया जो उन्हें नहीं पाया तो मैं क्यों पावा जनाब तो ये कहने का मकसद है कि हम लोग अपनी जो है तस्वीर नहीं करना चाह रहे हम पहले दूसरे की तस्वीर करना चाहते हैं उसके बाद हम अपनी तस्वीर की तरफ आते हैं ठीक डीएसपी साहब कैसे पॉसिबल है कि चीजों को बेहतर किया जाए क्योंकि 99% वही रेशो है जो आपको बता रहे हैं यही अवेयरनेस की बात है जो ट्रैफिक पुलिस इसमें बहुत ज्यादा अब काम कर रही है ये आप लोगों के साथ मिल के और आप लोगों की तवज्जो से और अपने तौर पे भी बहुत सारे काम इस तरह से किए जा रहे हैं लेकिन मैं सबकी बात से इख्तलाफ कर रहा हूँ कि पुलिस बहुत काम कर रही नहीं आज हाईकोर्ट ने इस पे स्टैंड ले लिया हाईकोर्ट ने कहा जी MOV के तहत जेरे दफा 179 के तहत आप इस पे अमल दरामद करवाएं तो लो ट्रैफिक पुलिस भी जा गई क्या लो ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं पता कि रोजाना शहर की सड़कों पे जो 250 से 300 ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो मोटरसाइकिल सवारों की है क्या ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं पता कि
हेलमेट पे पाबंदी जो है वो सारा साल है कि यहाँ मखसूस अयाम में है। अगर ट्रैफिक पुलिस सेलर फोन पे पाबंदी लगा, ये मोबाइल फोन पे पाबंदी करवा सकते हैं, बेल्ट की पाबंदी करवा सकते हैं, तो क्या ये हेलमेट की पाबंदी नहीं करवा सकते? करवा सकते। और ये बातें हैं यार, बातें हैं यार, सिर्फ बातें हैं। आज हाईकोर्ट ने स्टैंड ले लिया और हम लोग जाग गए, ट्रैफिक पुलिस जाग गई और सड़क पे ये शुरू हो गए मोटरसाइकिल सवारों को। इनसे एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखे साहब आपके साथ खड़े, लाहौर में अगर सीट बेल्ट के ऊपर इतनी सख्ती हो सकती है तो हेलमेट पे क्यों नहीं, जो बड़ा बुनियादी है जिससे जान जाती है। हाँ, इसको ये है कि सुपरविजन अच्छे अच्छे इसके मॉडल्स हैं कि आप देख भी सकते हैं, और ये तो इतना हैवी है, बड़े लाइट वेट हेलमेट मौजूद है। देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद हर बंदा, चाहे वो इवन के हम ये भी देखेंगे जो पीछे खवातीन बैठी है वो भी हेलमेट पहन के बैठी है।